हेलो फ्रेंड्स, दिस इज क्लैरिसा फ्रॉम क्लैरिसाज क्रिएशन एंड आज हम बनाने जा रहे हैं फिर से यम्मी रस मलाई केक। तो उसके लिए मैंने वेनिला स्पॉन्ज बेक कर लिया है। हम हाफ के जी का केक बनाने जा रहे हैं, तो हमारा स्पॉन्ज जो है वो 300 ग्राम्स का बेक होके है एंड एडिशनल जो क्रीम लगकर होता है तो फिर वो एक्स्ट्रा वेट के साथ अराउंड 700 to 800 ग्राम्स हाफ के जी केक जाता है। तो लेट्स बिगिन। सेम वे हर वीडियो में हमने बताया है, तो सेम वे हम तीन पार्ट्स में इसको कट कर लेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ, टॉप पोर्शन जो है आप उसको इस तरह से हल्के से हाथ रखोगे और ये पॉइंटेड नाइफ अंदर पियर्स करोगे और बस आपको घुमाते घुमाते उसको निशान लगा लेना है और इस तरह से धीरे धीरे घुमाते घुमाते अंदर नाइफ जैसे जैसे जाएगी वो कट होता जाएगा एंड आपका फर्स्ट परफेक्ट। सेम वे हम सेकंड भी कट कर लेंगे। तो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड थ्री पार्ट में कट कर लिया है। यहाँ के दो पार्ट्स हम उठा लेंगे एंड अच्छे से रख देंगे। जो नीचे की लेयर है उसे हम अच्छे से सेट कर लेंगे प्रॉपरली और जो एक्स्ट्रा ये बाहर क्रम निकला है वो निकाल के क्लीन कर लेंगे। तो जैसे कि ये रसमलाई केक है तो हम पानी से या शुगर सिरप से नहीं इसे सोक करेंगे, हम सोक करेंगे इसे मिल्क से। रसमलाई का जो मिल्क आता है उससे ये रेडीमेड है, इजीली अवेलेबल होते हैं जहाँ पर स्वीट्स मिलती है वहाँ से हमने इसे लिया है। तो इससे हमें सबसे पहले वाला जो एकदम नीचे की लेयर होती है उसे कम सोक कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर सोक करोगे वो नीचे डिजल्व होगा तो आपका जो नीचे वाला लेयर हो जाएगा वो एकदम ही फिर सॉगी हो जाएगा और टूटने लग जाएगा, क्रम्स निकलने लग जाएंगे। इसलिए जो नीचे की लेयर है उसे एकदम कम सोक कीजिए। तो हमने अच्छे से व्हिपिंग क्रीम को बीट कर लिया है, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। तो परफेक्ट व्हिपिंग क्रीम कैसे बीट किया जाता है, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है, हमने हमारे पेज पे बताया है। हम हमारे रसमलाई केक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक डाल देंगे, आप चेक कर सकते हो। तो मैंने हमारे केक को जितना क्रीम लगेगा अंदाज से थोड़ी क्रीम ले ली है। तो अब इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे, फेंटना बहुत ज़रूरी है ताकि स्मूथ टेक्स्चर हो जाए। अभी ये बहुत हार्ड और रफ दिखेगी तो आपको इसे अच्छे से इस तरीके से फेंटना है। फेंटने से क्या होगा, इसमें शाइनिंग आ जाएगी और अच्छे से ये लूज पड़ने से इजीली आपके केक पे स्प्रेड हो जाएगा, आप देख सकते हैं परफेक्ट। अब हमें जितनी क्रीम चाहिए उतनी हम ले लेंगे। विद द हेल्प ऑफ पैलेट लेफ्ट राइट करते करते आपको पूरे केक को पहले कवर कर लेना है। अगर आप न्यू कमर्स हो, आपको प्रॉब्लम हो रहा है डायरेक्टली, तो आप पाइपिंग बैग में डाल लो क्रीम और अच्छे से केक को स्प्रेड कर लो। तो इस तरीके से रसमलाई आती है, अच्छे से हाथ धोकर आप अगर डायरेक्ट इसे डाल दोगे ना तो इसका ये दूध दिख रहा है वो गिरने लग जाएगा। तो आपको इससे निचोड़ कर, भले टूट जाए चलेगा, लेकिन स्क्वीज करके पूरा दूध इसमें से निकाल देना है और फिर आपको इसमें स्प्रेड करना है। इस तरीके से आप जितना रसमलाई डालना चाहते हो अच्छे से इसे में डालकर पूरा केक को कवर कर लो। तो हाफ के जी रसमलाई केक के लिए मैं हाफ के जी रसमलाई यूज़ करती हूँ, कोई कंजूसाई नहीं यूज़ करती हूँ। तो इसके लिए हमने बादाम एंड पिस्ता यूज़ कर रहे हैं। आप इससे बारीक पाउडर भी कर सकते हो, आपको जैसे कट करना है आप कट कर सकते हो। मैंने इस तरह से दरदरा रखा है ताकि ये थोड़ा सा मुंह में बाइट करते टाइम फील हो कि हम काजू बादाम पिस्ता खा रहे हैं।
आप काजू भी डाल सकते हो, आपको जो ड्राई फ्रूट्स डालना है आप डाल सकते हो। तो हम थोड़ा थोड़ा ऐड कर देंगे। तो अब हमारी सेकेंड लेयर हम रखेंगे एंड सेम वे पहले हम साइड से कवर करेंगे और फिर सोक करेंगे इस तरीके से स्टैंडिंग पहले, और एक वॉल बन जाएगी प्रोटेक्शन की। तो हमारे ना रसमलाई बाहर आएगी ना हमारा स्पॉन्ज हिलेगा। तो मैंने साइड से अच्छे से कवर कर लिया है। अब हम सोक करेंगे तो नीचे की लेयर कम, उससे ऊपर की लेयर थोड़ा उससे ज़्यादा, एंड सबसे ऊपर की लेयर प्रॉपर करना है। तो फिर से रसमलाई मिल्क साइड कॉर्नर्स, क्योंकि साइड ही कड़क हो जाता है कभी कभी, बट ये बहुत ही फ्रेश केक बेक थे जस्ट हाफ एन आवर पहले, इसलिए ये बहुत सॉफ्ट है। दैट्स इट। अब फिर से हम क्रीम लगा लेंगे एंड सेम वे रसमलाई या नट्स डाल के इसको कवर कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने सेकेंड लेयर पे भी रसमलाई नट्स डाल दिया एंड हमारे टॉप लेयर्स अब रख देंगे। सेम वे हम साइड से पहले कवर करेंगे एंड फिर ऊपर। तो इस तरीके से मैंने क्रम कोट कर लिया है, बट मैंने ऊपर नहीं किया, इसलिए नहीं किया है क्योंकि मुझे येलो क्रीम से पूरे केक को कवर करना है, तो मैं एक साथ पूरे केक को कंप्लीट कर लूँगी। तो मैंने दो ड्रॉप्स लेमन येलो कलर डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है एंड ये क्रीम हमारी इस शेड की हो गई है। अब हम इसे पहले साइड से कवर करेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ ब्रश मैंने इसको इस तरह से डिज़ाइन दे दी है। आप zigzag भी कर सकते हैं, वेव डिज़ाइन दे सकते हो इस तरह से। That's it। आप देख सकते हैं वेव डिज़ाइन दिख रही है। और ये जो ऊपर जो क्रीम आई है हम इसे अंदर की तरफ लेंगे इस तरीके से, और जो एक्स्ट्रा है वो इस तरह से स्क्रेपर पे निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, और सेम ब्रश से मैं ऊपर भी डिज़ाइन कर लूँगी, कॉर्नर से स्टार्ट करते हुए अंदर की तरफ लूँगी इस तरीके से। तो इस तरह से मैंने zigzag डिज़ाइन कर लिया विद द हेल्प ऑफ ब्रश। और फाइनल डिज़ाइन करने से पहले हम हमारा बोर्ड क्लीन कर लेंगे। तो एक किचन टॉवल या गीला कपड़ा या टिश्यू पेपर आप जो लेना चाहते हो लेकर इसे इस तरीके से कॉर्नर इसकी क्लीन कर लेंगे हम। अब ये मुझे एनिवर्सरी स्पेशल केक बनाना है, तो ज़रूरी नहीं है कि रेड कलर ही हो, हम इसे रसमलाई में हार्ट शेप थोड़ा सा डिज़ाइन दे के एनिवर्सरी लुक दे सकते हैं बाय पुटिंग एनिवर्सरी का टैग लगाकर। तो यहाँ पर हम रसमलाई से ही एनिवर्सरी के लिए हार्ट शेप बना देंगे। तो आपको एक लकड़ी ले लो या फिर टूथपिक ले लो या जिससे कंफर्टेबल लगता है उससे रफली एक हार्ट का डिज़ाइन दे दो। तो इस तरीके से हम हार्ट बनाएंगे। दैट्स इट, आप देख सकते हो। तो अब ये हार्ट शेप में मुझे रसमलाई रखनी है, तो इस तरीके से हम हार्ट शेप में रसमलाई भर देंगे। तो इस तरीके से मैंने रसमलाई को क्रम्बल कर दिया है और ये लाइनिंग्स के ऊपर हम इसको भर लेंगे।
और हार्ट शेप देने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल हमारा रसमलाई का हार्ट दिख रहा है। अब जैसे धड़कनें तेज़ होती है, हम उसके लिए थोड़ी सी लाइनिंग्स करेंगे ऊपर नीचे। तो उसके लिए मैं ये रेड कलर का कलर मैंने पाइपिंग बैग में डाल दिया है, थोड़ा सा ड्रॉप्स। साथ ही में यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट न्यूट्रल ग्लेज है वो मैं ऐड कर रही हूँ विदाउट वाटर, एक स्पून भर कर। ये गाढ़ा होता है और मीठा होता है, जो केक शॉप में इजीली अवेलेबल होता है। बस इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो अब हम जैसे धड़कनें तेज़ होती है वैसे हम थोड़ा थोड़ा सा लाइनिंग देंगे, ऐसा ऊपर कभी नीचे। तो देखिए हमारा हार्ट बन गया है परफेक्ट एकदम। अब हम इस पे ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे साइड में। तो इस तरीके से थोड़े से काजू और पिस्ता है जो मैं कहीं कहीं पे डाल दूंगी। मैंने ये नोज़ल डाला है स्टार नोज़ल 199 नंबर, उससे सेम येलो कलर की क्रीम लिए, थोड़ा सा डार्क करके 4 ड्रॉप्स ऑफ येलो डाले हैं ताकि हम बाउंड्री बना सके। और ये जो आप देख रहे हो ये मैंने रोज पेटल्स रखे, ड्राई रोज पेटल जो रसमलाई केक के लिए हम यूज़ करते हैं। आपके पास फ्रेश हो तो आप फ्रेश भी डाल सकते हैं। एंड जैसे कि हमने कहा हमेशा पीछे से स्टार्ट करिए ताकि पीछे ही ख़त्म हो। तो इस तरीके से हम डिज़ाइन करेंगे, आप देख सकते हो लाइट डार्क कॉम्बिनेशन, बस प्रेस करके छोड़ना है। और जहाँ ख़त्म होता है, जहाँ स्टार्ट किया वहीं ख़त्म हो जाता है। देखिए कितना प्रिटी दिख रहा है हमारा रसमलाई केक, सिंपल एंड सोबर। ज़रूरी नहीं है कि एनिवर्सरी के लिए एकदम एनिवर्सरी थीम ही करना है। देखिए रसमलाई डालकर हमने सिंपल हार्ट बना लिया एंड वो एक लव का सिंबल हो गया है। तो हमारा रिच रसमलाई केक विद द सिंबल ऑफ लव, रसमलाई लव हार्ट सिंबल फिनिश हो गया है, बनकर रेडी है। सिंपल एंड सोबर केक आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।